अभी इसे बांध दो ना। या वाओ ब्यूटीफुल। दूसरी पहन के आती हूँ। ओके इसका बैकग्राउंड ठीक से चेक किया है ना? क्योंकि मैंने सुना है फॉरेन के एनजीओ से इंडिया के किसी भी एनजीओ में आकर काम करने वाले 90% लोग फ्रॉड होते हैं। ये नहीं कह रहे कि सिमरन फ्रॉड है, बस जनरली ये तो हीरा है। मैडम जी, ये एकदम लेटेस्ट पीस है। बेस्ट है। ये वाला मुझे थोड़ा लूज हो रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल दिखाइए प्लीज। आपको मैं डबल एक्सेल दिखाऊं मैडम? डबल एक्सेल? अपनी पत्नी को दिखाओ। मेरा साइज मीडियम का भी एक्स्ट्रा स्मॉल है। लेकिन ये तो मीडियम साइज ही है मैडम। तो मैं यही पहनूंगी। मैडम ये मत पहनिए, ड्रेस फट जाएगी मैडम। स्वीटी हाई वेस्ट ट्राई करके देखो, वो तुम्हें एकदम परफेक्ट फिट आएगा और अच्छे से कैरी भी कर पाओगी उसे। रियली? अब इस चुड़ैल से फैशन टिप्स लेनी पड़ेंगी, जिससे टॉयलेट साफ करती वही पहन कर आ गई। थैंक्स। I'll go with this. ठीक लगा जी? ये हाँ, thank you, pack कर दी। स्वीटी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ड्रेस ट्राई कर रही हो या नई ड्रेस बना रही हो? स्टॉप इट अभी। मजाक कर। अरे पैक कर दो। भला ये इसे कैसे फिट आ गया? लेट्स गो। यू नो स्वीटी, सिमरन ने एक टूर प्लान किया है जहाँ हमारे क्लीन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एनजीओस ज्वाइन करेंगे। मुझे तो अभी का कैंपेन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। मेरे पास इसके लिए एक स्लोगन भी है, बताना कैसा लगा? टॉयलेट रखो हाई फाई, डॉक्टर को बोलो बाय बाय। Hey, superb. Thank you. Hi. Hi. पापा ये टिकट्स कहाँ से आती हैं? भगवान भेजते हैं। इस मशीन से आती है बेटा। और मशीन में कहाँ से आती है? जिसकी ड्यूटी होती है ना, उसी ने रखा होगा। पर ये टिकट बनी कैसे? पेपर से बनती है बेटा। और पेपर कहाँ से आता है? पेड़ से बनता है पेपर। और पेड़ कहाँ से आते हैं? भगवान की देन है बेटी। तो फिर ये टिकट्स भी तो भगवान ही देते है ना? बिल्कुल सही। तो फिर पढ़े ऊपर वाला स्वीटी से क्या कहना चाहता है। पढ़िए। जल्द ही स्वीटी की किस्मत खुलने वाली है। यहीं से मशीन के मैसेजेस और स्वीटी की प्यारी सी कहानी शुरू हुई। यात्री कृपया ध्यान दें। उस दिन से ही वजन बताने वाली मशीन और स्वीटी के बीच एक अटूट सा रिश्ता बन गया। जो लड़कियां खुश रहती हैं, वही सबसे खूबसूरत होती हैं। असली खुशियां वही हैं जो दूसरों के साथ बांटी जा सकती हैं। एक छोटी सी मुस्कान से कुछ भी जीता जा सकता है। स्वीटी। हमारे चाहने वाले कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं, हमेशा हमारे बीच रहते हैं। कारणवश प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है।
यात्रियों की असुविधा के लिए खेद है। प्लीज 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 जैसी हो वैसी रहो, यही तुम्हारी खूबसूरती है। कितना टाइम लगाएगा? जिप ऊपर खींचे, जल्दी कर। अबे घरे क्या कर रहा है तू? एक जिप बंद करने में इतना टाइम लगता है? हो ही नहीं, जल्दी कर। अंदर कर, अंदर कर इसे। स्वीटी पिछले हफ्ते नाप लिया था फिर भी जिप बंद नहीं हो रही। तू वैसे जिम में करती क्या है बेटा? तुझे दौड़ा दौड़ा के ट्रेडमिल घिस घिस घिसिंग, पर तेरा वजन टमस नहीं हुई। मम्मी प्रॉब्लम मेरी वेट नहीं है, तो क्या इसकी सिलाई गड़बड़ है? दिन भर इतना खाती और गलती सिलाई की है। तेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई और ज्योति का तो बेबी भी कमिंग। मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया लेकिन तू अभी भी मम्मी के पलों से चिपकी और दिन ब दिन खा के मोटी हुई। माँ इसे मोटा नहीं कहते, इसे हेल्दी कहते हैं। शादी क्या सिर्फ पतली लड़कियों की ही होती है? मेरे लिए भी कोई जरूर होगा, मेरा प्रिंस चार्मिंग। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं जैसी हूँ आई एम वेरी हैप्पी। ओह हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तेरे हैप्पी रहने से लड़का मिल जाएगा क्या? हमारी स्वीटी किसी से कम थोड़ी है, आप देख लेना एनआरआई हस्बैंड मिलेगा आपकी बेटी को, लिख लीजिए। एनआरआई छोड़ो, फिलहाल तो कोई बाजू की बस्ती से भी मिल जाए तो चलेगा। अभी तो अपने माउथ का जिप क्लोज कर और साथ में इसका भी। अरे हाथ तो बटा जल्दी। माँ छोटे साइज की ड्रेस पहनकर मैं पतली नहीं लगने वाली। पिछली बार जो ड्रेस मैंने दशहरे पर पहनी थी वो दिवाली में निकली थी। यू चुप कर, पेट अंदर एंड ब्रीद इन 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 थोड़ा सा इन। गॉड मदद कर। किसके सामने क्या बोलना है आपको नहीं पता? अब वो भी जान गया कि मेरी शादी नहीं हो रही। मेरी कुछ तो इज्जत कीजिए ना लोगों के सामने। नॉट टॉकिंग मोर, चल अपनी स्कूटी निकाल, फोन बज रहा है। ओहो हो, तेरा यूजलेस भाई कितना गंदा रिंगटोन डाला मेरे फोन में। हेलो डब्बावेर ऐश्वर्या आईएएस यार। हाँ जी, टेलिंग मी स्मॉल 3x300 6 inches 150 डिस्काउंट एवरीडे नॉट गिविंग टू यू। दिवाली के समय फोन करना, बहुत डिस्काउंट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आईएएस क्या है? इंडिपेंडेंट एजेंट सेल्स। डब्बावेर ये अपन का स्टाइल है। क्या करूं मैं आपका? तशरीफ को आगे बढ़ाओ, तू थोड़ा आगे खिसकेंग तो मैं ठीक से बैठेंग। जल्दी ज्योतिष जी के पास जाना है। स्टॉप स्टॉप। प्रणाम ज्योतिष जी। अरे जल्दी से बाहर गया। कैसे आना हुआ राजेश्वरी? बेटी की शादी को लेकर चिंतित हो? दिन रात उसी की चिंता खाए जाती है मुझे। जानता हूँ, स्वीटी की कुंडली की मुझे डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना। नक्षत्र भिड़ गए। राहु ने इतने दूर, कुछ नहीं हो सकता। ग्रह दशा बता रही है कि मंगल इसकी कुंडली में दंगल कर रहा है। अगर इस कन्या की शादी इस वर्ष नहीं हुई तो कभी नहीं होगी, कन्या कुंवारी रहेगी। इसका तो कोई उपाय होगा ना? एक सफेद रंग का बैल ढूंढना होगा जिस पर काले रंग का निशान होना चाहिए और उसे 6 हफ्ते खाना खिलाना होगा। ऐसा करने से सच में शादी हो जाएगी? नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट एक्चुअली। ओहो, तो तुम्हें कर्म किए बिना फल चाहिए है ना? स्वामी जी एक काम करो, तुम मेरी जगह आकर बैठ जाओ और मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए उपाय करता हूँ, ये ठीक रहेगा? माफ कर दीजिए। 6 हफ्ते के लिए जैसा मैंने कहा है उसे करके तो देखो, फिर हम मिलते हैं ना। 6 हफ्तों के बाद पता नहीं आप मिलेंगे या आपका पुतला। क्या उल्टा पुल्टा बोलिंग, इसे माफ कर देना स्वामी, लड़की नादान है। पता चल रहा है, खा खा के दिन ब दिन ये गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है। इसको उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दो, पूरे दिन फ्लोट करती रहेगी। अरे तेरे जैसे हजारों इन चरणों में आकर रोज गिरते हैं। चलो निकलो यहाँ से। चल माफी मांग जल्दी, माफ कर दीजिए। खाते समय हाथ नहीं दुख रहे, माफ कर दीजिए। यही संस्कार दिया इसको। मामा मैं समझाती हूँ। चलो निकलो यहाँ से, करो स्वामी।
घर से निकलने से पहले चेहरे को ढक लिया कर, ये पकड़ वरना तेरा सुंदर मुंह काला हो जाएगा। अगर तेरी शादी कैंसिल हो जाएगी तो मैं तेरे बच्चों के साथ कैसे खेलूंगी? बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। अरे रे 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 रे, अपनी माँ के सामने कैसी कैसी बेशर्मी की बातें करती है। ए डब्बा, इसके वर्कआउट पे नजर रखने की जिम्मेदारी तेरी। इसका वर्कआउट तो आई विल सी। माँ, मेरी शादी कब होगी एक बात पूछो ना अपने ज्योतिष से। मैं सब उपाय करने को तैयार हूँ। ए दोस्त के नाक टूटे नहीं, अपनी शादी की बात करता है। बाबूजी नाश्ता करेंगे। सुनो बाबूजी, इस महीने के खर्चे के बाद हमारे पास केवल 20,400 ही बचे हैं। बाबूजी घर का खर्चा चलाने के लिए हमें फालतू सामान बेचना पड़ेगा। मैं जाके स्टोर रूम में देखती हूँ, आप चल के नाश्ता कर लीजिए। मैडम, सिर्फ अप डाउन बोलने से नहीं चलेगा, थोड़ा शरीर को भी कष्ट देना पड़ेगा। चलिए फिर से आप ट्राई कीजिए मैडम। डाउन अप, डाउन अप। Hey baby, idiot. Thank you. Now what hey, I hero. Do? Hey, namaste madam. इतने दिनों बाद जिम में आया है तू? कहाँ था इतने दिनों से? वो क्या है ना? I started business of ladies clothes. सारे best designs I am having. तो मतलब नया कलेक्शन आया है बहुत क्या? बहुत सारे new arrivals madam. अब बैठिए तो सही. I'll show you. दिखा दिखाता हूँ. ये वाली single hook sexy look. देखने वाला पागल हो जाएगा. Very exclusive piece. But a bit of expensive. सच क्या बकवास है? कुछ international नहीं जी, है जी, बिल्कुल sure. आप international वाला देखो. आप ये पहनोगे ना, आपके husband not see anywhere. You guarantee. ये सारे डिजाइन तो रोड पर भी मिल जाते हैं. Exciting. कुछ exciting दिखा ना. इससे ज्यादा exciting I don't have. पता है मेरी एक फ्रेंड ने थाईलैंड से एक पीस खरीदा था. ट्रांसपेरेंट कलर है. उसमें लाइट भी जाती है, पता है? ट्रांसपेरेंट भी कोई कलर होता है क्या? और रही लाइट्स की बात, तो शौक लग गया तू? तुझे क्या पता? उन डिस्को लाइट्स की बात ही कुछ और थी यार। अच्छा? आज ट्विन्स हैं उसके। मुझे भी ये ट्विन स्पेशल पीस मंगवाना ही पड़ेगा। ये क्या? इस बेंच से तुम्हारा शरीर ओवरफ्लो हो रहा है। मसाज करते करते आंटी का वेट लूज हो रहा है, और तुम एज इट इज की एज इट इज। ओए मम्मी के चमचे, अगर मॉम को ये पता चला ना तो तेरा ये चड्डी बनियान का बिजनेस बंद करवा दूंगी। This is not चड्डी बनियान वाला cheap business. This is classical software business. ओह, तुम software engineer हो? हाँ. कौन सा software? अजी, मेरा मतलब था अंदर का software. Have you any requirement? चड्डी क्या से? बाहर जाकर अपनी ये चड्डी बनियान बेच। अभी she is burning from me. अब baby elephant की massage कर लो, हम बाद में बातें करते हैं. I will show you lot of things. I have software. तुम massage करो ना। चारों तरफ फैली है साइज जीरो की हवा। दुबई में बेहद प्रसिद्धि पाने के बाद ये वेट लॉस प्रोग्राम की कंपनी के मालिक सत्यानंद इंडियन मार्केट में कदम जमाना चाहते हैं। इसके प्रमोशनल सॉन्ग साइज जीरो ने न सिर्फ यंगस्टर्स में हलचल मचा रखी है, बल्कि अंकल आंटियों को भी दीवाना बना दिया। वीडियो रिलीज होने के एक घंटे के अंदर ही यूट्यूब पर इसे 1 मिलियन व्यूज मिले हैं। आप ये वीडियो देखिए, मिलते हैं वीडियो के बाद। और कौन कमबख्त कहता है किसी मोटे व्यक्ति की शादी होना मुश्किल है, अपने घर से ट्रेन पकड़ो और जाओ हैदराबाद डायरेक्ट। जुबली हिल्स में रोड नंबर 2 पर लाल कांच की बिल्डिंग, ले जाओ अपनी बेटी को और पाओ सभी टेंशन से हमेशा हमेशा की मुक्ति। चिल चिल मारो।
इस बैच की सभी सीट फुल हो चुकी है, आप अगले बैच के लिए अप्लाई कीजिए। 20 किलो घटाने के लिए 2 लाख रुपए लेते हैं, टोटल वेस्ट है माँ। इतने पैसे तो वजन बढ़ाने में भी नहीं लगेंगे, वेट का तो पता नहीं लेकिन पैसे लॉस जरूर हो जाएंगे। साफ साफ बोल की मेहनत नहीं करनी है, बैच की सीट या फीस का बहाना मत बना तू, लड़के वाले आते होंगे, घर चल। अरे ये लड़का किधर गया? सुन बेटा टेंशन मत लो, इस बार देखना दूल्हा हमारे हाथों से नहीं बचेगा, जैसे ही वो आएगा ना मुर्गी की तरह उसे दबोच लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपने लड्डू दबोचा है, याद है ना आपको डायबिटीज है, बेटी की शादी तक कोई मस्ती नहीं, गुड बॉय। अच्छा बच्चा एक और तेरी तो यहाँ बैठ के सेल्फी सेल्फी खेलिंग, पार्लर नहीं जाना है क्या, थोड़ा ही टाइम बचा है। डोंट वरी आंटी, हम पार्लर जाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। हम नहीं बेटा सिर्फ ये, तुम वहीं से कल्टी मारना, वापस मत आना। माँ को लगता है कि लड़का मेरे बजाय तुझे पसंद कर लेगा, है ना माँ? हाँ क्यों नहीं, जितना बोलती है ना उतना एक्सरसाइज भी किया कर, सोने के भाव जैसा तेरा वजन बढ़ रहा है, तेरी कमर की गोल्ड चेन बनाने के लिए पूरा घर बेचना पड़ेगा। चल अभी जल्दी से तैयार हो। तो इसे ट्यूब टॉप कहते हैं। आई विल बाय फॉर कस्टमर। काम छोड़, टाइम पास कर रहा है, लड़के वाले आते ही होंगे, तुझे बाथरूम का फ्लश ठीक कराने बोला था, कराया? हाँ कर दूंगा यू गो। भेजे में बात घुसती नहीं है इसके। हाँ क्यों नहीं, हर दिन फुल हाउस क्लीनिंग, वॉशिंग, बर्तन, स्वीपिंग, आई डू एवरीथिंग ऑल अलोन। अगर बेबी एलिफेंट करती तो दुबली हो जाती, लेकिन पूरे दिन ठूसती रहेगी, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। वो क्या है ना कि अभिषेक को मसालेदार खाने की आदत नहीं है। काफी टाइम से लड़की ढूंढ रहे थे, अचानक अभिषेक का इंडिया का प्लान बन गया और नीरजा ने स्वीटी के बारे में बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल ले। हे भगवान, लगता है उस नालायक ने फ्लश ठीक नहीं करवाया, आने दो उसे, झाड़ों से पिटाई लगाऊंगी। आहा, ये लो, आ गई हमारी बिटिया। लीजिए लीजिए ना, आप ही लीजिए। कितनी सुंदर लग रही है, पर फोटो में थोड़ी अलग थी। वो क्या है, इसने ऑरेंज कलर पहना हुआ है ना, इसलिए थोड़ी सी आउट ऑफ शेप दिख रही है। बेटा तुझे कहा है ना ये कलर मत पहना कर। बेटा अपनी स्वीटी तो किसी भी रंग में खूबसूरती भर सकती है। बेटा अभी लगता है फ्लश काम नहीं कर रहा है, लोटा यूज कर लो, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लगता है रिपेयर करना पड़ेगा। एक बात कहूँ, मेरी बेटी है इसलिए नहीं कह रही, स्वीटी सच में बहुत टैलेंटेड है। बेटा इधर बगल में ही एक इंटरनेशनल होटल है, उधर में ही शी डूइंग मैनेजर। मेरी शादी करवाने के लिए मेरी माँ किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है, वो भी बिना किसी शर्म के। मेरी पहली जॉब 5-स्टार होटल में अच्छी पोजीशन पर थी, लेकिन बस 5 महीनों में ही एक एक करके स्टार्स गिरते गए। अब मैं एक सिंगल स्टार के चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करती हूँ जो मेरे घर के बगल में ही है। सबसे बेस्ट ड्रमस्टिक चिकन चखना है तो आइए चंकिंग एक्सप्रेस। और पूरा होटल शी डूइंग मैनेज अलोन, सही कहा ना? और खाने पीने की तो फिकर नॉट, स्वीटी के हाथों का खाना खाओगे तो झूमते रह जाओगे। बेटी ये बातें तो बाद में भी हो सकती है, पहले दोनों बच्चों को आपस में थोड़ी देर बातें तो करने दो। अरे बाबूजी मैं तो भूल गई, स्वीटी अभी को अंदर ले जाओ। जाओ बेटा। आहा, दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे किसी। सही कहा, दोनों की जिंदगी सदा उजाले से भरी रहे। उजाले की बहुत बड़ी सी हो गई। Thank you.
This area has a lot of power cuts, right? अब घर बैठे ही आप 6 नहीं पूरे 8 बैग्स एब्स बना सकते हैं। इस मैजिक बेल्ट को अपनी कमर पर लगाइए और मोटापे से तुरंत छुटकारा पाइए। 1 महीने में पतले नहीं हुए तो पैसे वापस। तो जल्दी खरीदिए मैजिक बेल्ट। अभी ऑर्डर करने पर आपको मिलेगा भारी डिस्काउंट। में रिजल्ट? बाप रे, बेल्ट है या ग्राइंडर? एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। फनी। एक्चुअली आपके लिए नहीं बोल रहा था, आप गलत समझ रही हैं। वैसे भी ये उनके लिए जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। आप तो एकदम मेरा फिगर कोई 36-24-36 नहीं है। मुझे खाना भी बनाना नहीं आता। जब बोर हो जाती हूँ तो बाथरूम में बैठकर सुट्टा मारती हूँ। सबके सो जाने के बाद टेरेस पर जाकर वाइन पीती हूँ। पोहा तो क्या, पानी तक उबालना नहीं जानती। मेरा जो ये ब्लाउज है 3 साइज छोटा है। जोर से सांस भी ली ना तो फट जाएगा। मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बोलो अब क्या करना है? मुझे भी फिलहाल शादी नहीं करनी है। वो तो मॉम डैड ने जबरदस्ती की, इसलिए एक्चुअली मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। और इसका मतलब तुम्हारी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। मोटी है तो क्या, शादी कर लेता हूँ, दहेज मिलेगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। यही प्लान था ना तुम्हारा? सॉरी, तुम्हारी ये पिक्चर फ्लॉप है। नो, मैं फिल्में नहीं बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। यूट्यूब पे देखी होगी। सुनो, ये फिल्म वालों पर ना मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, और ना ही तुम्हारे वीडियोस में कोई इंटरेस्ट है। मेरी बात सुनो, हमारी फैमिलीज बाहर बैठकर समोसा खाते हुए हमारे डिसीजन का इंतजार कर रही हैं। फिलहाल इस पर फोकस करो। सो व्हाट डू वी डू नाउ? जाकर उन्हें सच बता देते हैं कि हमें एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, मैं जाकर बता देता हूँ। वेट, एक्चुअली आज तक मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, तो ये शुभ काम इस बार मैं करूंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी डिमांड ही क्या थी? कब तक मुझे ऐसे साइड रहना पड़ेगा? ये तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन 2 नालायक बच्चे और एक कबाड़ से भरा हुआ स्टोर रूम मेरे सिर छोड़ गए। और आज स्वीटी ने जो हरकत की है उससे तो उसका घर बसते बसते उजड़ ही गया। अब इस लड़की की शादी कैसे होगी? बताओ 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 ना। बताओ बताओ, अरे चिल्लाना बंद करो माँ। इस बाबा नॉट अ टेलीफोन। अपनी बकवास बंद कर बेशरम। सॉरी बाबा, गलती से मिस्टेक हो गई। जब देखो परेशान करता रहता है। बाबा, स्वीटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। अंत में सब अच्छा ही होता है। हाय मैम। हाय। हे स्वीटी। हे। अब बता कल क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। सच में? क्यों? पकाऊ था? तो टकलू था? तो फिर कपड़े अजीब थे या फिर एटीट्यूड दिखा रहा था? एक्स्ट्रा रोमांटिक था क्या? छे, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे जस्ट लाइक दैट। बोल ना, क्या हुआ था? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, बताना। वैसे तू आज इतनी बदली बदली से क्यों लग रही है? वेट लूज किया या फिर मेरी आंखें धोखा खा रही है? ये साइज 0 क्लिनिक का कमाल है, तू भी ज्वाइन कर ले, तेरा वेट लॉस पक्का है। चंकिंग एक्सप्रेस, हाउ मे आई हेल्प यू? शेफ, स्पेशल नूडल विद मंचूरियन सॉस। ओके मैम। हमारा पुराना कस्टमर है, बेचारे की जॉब चली गई, एक कुकी भेज देते हैं। हाउ मे आई हेल्प यू? वन हाथ नूडल्स। तेरी तो यस सर, आज तुम्हें से छूंगी नहीं, कुंग फू ट्रीटमेंट देना होगा। ओके सर।
अच्छा भाई, हाय अंकल। हाय अंकल, कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ। इतना लेट कैसे हो गया? अरे बस आ ही रहे थे, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लग गया था, तो उसकी वेट कर रहे थे इसलिए देर हो गई, तो आ गए ना। हाय, आ गए ना, वही बहुत है। जी जी बिल्कुल, आना तो था ही। मैं मना कर चुकी हूँ ना, पर तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। हेलो, नीरजा आंटी की बेटी की शादी है, भूल गई क्या? वही जिन्होंने हम दोनों को मिलवाया था। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, कितने भोले हो तुम। नो थैंक्स, मैं जरा डाइट पर हूँ, कार्ब्स नहीं खाता हूँ। पागल हो क्या? ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कीमा समोसा कातिलाना टेस्ट है, खा लो। एक्चुअली मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, ज्यादातर सैलड्स ही खाता हूँ, यू नो, कीप इट सिंपल। ओह स्वीट, अरे बिल्कुल नहीं। शुगर है? दादू के पास शुगर की दवाई है, लेकर आऊँ क्या? मुझे शुगर नहीं है, ऑयली फूड खाने से ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है और मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो इसीलिए हमें। सही बोला अभी स्वीटी, ये कोलेस्ट्रॉल वाली बात तुम्हें बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, इसकी एडवाइस फॉलो कर लो, 10-15 किलो तो इजीली कम हो जाएंगे। अरे ये तो मैं मम्मी के लिए लेकर जा रही थी, मैं ये सब नहीं खाती। ओ, अच्छा। अच्छा दिखने के लिए वेट लॉस जरूरी नहीं है, कुछ लोग तो कीमा समोसा खा के भी बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। यू लुक फाइन। आंटी वैसे डाइट पर तो आपको होना चाहिए। अभी तेरी एडवाइस तो स्वीटी को ही दे। तो तुम्हारी फिल्मों का काम कैसा चल रहा है? अरे फिल्में नहीं, डॉक्यूमेंट्री, जस्ट स्टार्टिंग, इंडिया के टॉयलेट्स के ऊपर, हाइजीन इज वेरी इम्पोर्टेंट। टॉयलेट्स पर पिक्चर बना रहे हो? उस दिन टॉयलेट में इतना टाइम लगाया था ना, मैं तभी समझ गई थी समथिंग इज रॉन्ग। बाय द वे तुम्हारा भाई भी मदद कर रहा है मेरी। सच में? उसके भरोसे रहे ना, तो बन गई तुम्हारी पिक्चर अभी। हाँ, I'll see you soon. क्या खूबसूरत नजारा है। थैंक्स, इस एंगल से मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक है? तुम्हें भी चाहिए? नो थैंक्स, इट्स लेट, निकलना है, मैं बस तुम्हें बाय बोलने के लिए आया था। अरे लेट हो जाओगे तो मम्मी डांटेगी क्या? नो, वो सुबह जॉगिंग के लिए जाना होता है ना, 6 o'clock, KBR। क्या? सुबह 6 बजे? एक्चुअली 5 बजे। मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, 3 बजे भी सोती हूँ तो भी 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह लेट उठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर एक दिन भी जॉगिंग पर ना जाऊँ ना, तो पूरे दिन बॉडी में दर्द रहता है। ओ, तुम भी जॉगिंग के लिए जाती हो क्या? तुम्हें मजाक लग रहा है? बैठो। अरे इस एरिया के हर एक पार्क में दौड़ चुकी हूँ मैं, तुम्हारे वाले को छोड़कर। तो कल KBR गार्डन आ जाओ, साथ में जॉगिंग करते हैं। क्यों, डेट के लिए पूछ रहे हो? ए, तुम ठीक तो हो ना? रुको मुझे देखने दो। घड़ी में उस समय 9:25 और 24 सेकंड हो रहे थे। दादू उस समय माँ से छुपकर अपना फेवरेट लड्डू खा रहे थे। ज्योति उस वक्त 10वीं बार अपना फेवरेट परफ्यूम लगा रही थी। और हर रोज की तरह माँ पापा के सामने अपने सारे दुखड़े रो रही थी। और उसी समय लाइफ में पहली बार मुझे अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मिलते हैं। जैक और चिल गए ऑन हिल। हे हे, ये सब क्या है? Why you are sitting here like a polar bear? ए, हो गया तेरा ड्रामा? खुद का हुलिया देखा है कभी? वैसे पहले से बेटर यू आर लुकिंग। बेबी एलिफेंट, 1 घंटे में मुझे लैपटॉप चाहिए, माई शॉपिंग टाइम इज कमिंग, तो अपना बोरिया बिस्तर वहां रखो। hey, what hiding? Hey, मुझे देखो, देखना है। ऑलरेडी जो मैच कैंसिल हो गया उसके लिए टॉस करके क्या फायदा मैडम? The game is over. Close your mouth. Water falling. रुकते, hey, hey, तो hey, अभी mother, बताती हूँ। Save my life, बचाओ। Baby elephant gone mad.
धीरे जॉग करना तो साइड होकर करो ना। क्या अंकल, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? बदतमीज लड़की, पागल है। ए, क्या हुआ? कमर की चर्बी जाएगी या नहीं, लेकिन मेरी जान जरूर चली जाएगी। जॉगिंग का मतलब सिर्फ तेज भागना नहीं होता है। तो फिर मैं क्या कछुए की स्पीड में भागूं? जॉगिंग भी एक कला की तरह होती है, तेज भागने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे भी भाग सकते हैं। यू नो, रिदम मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अधिकतर लोगों को हार्ट डिजीज एक्चुअली गलत एक्सरसाइज करने की वजह से होती है। बॉडी को उतना ही पुश करो जितना कर सकती हो, सांस ठीक से लो और कैलोरी काउंट को अच्छी तरह मेंटेन करो और फिर देखो। बस कर मेरे बाप, अब तुझसे दूर भागने का मुझमें स्टैमिना नहीं है, तू जाके जॉगिंग करना। ठीक है, तुम यहीं रुको, मेरे सिर्फ 10 राउंड ही बाकी हैं। क्या 10 राउंड और? मेरी पोती को मेरी मिठाई खाने में कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे तो मजे हैं भाई। दादू? हाँ? अरे खा लो, माँ को नहीं बताऊंगी। मुझे भी दो ना। आप भी माँ को मत बताना। बता दूंगा। अगर तुमने एक और नहीं लिया तो। दो राउंड्स और। फिटनेस ठीक है। तू अच्छे से देख, हाँ, मोटी तो नहीं लग रही ना, थोड़ा तो वेट लूज हुआ है। यहाँ से 10 ग्राम कम हुआ है और भेजे से 10 किलो। अपने वजन के बारे में इतना मत सोच, बहुत अच्छी लग रही है। काफी नहीं है, उस मॉडल कोऑर्डिनेटर ने बोला 10 किलो और कम करो वरना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट भूल जाओ। 10 किलो और कम किया ना तो हड्डियों का ढांचा दिखेगी। माइकल जी मैम, कहाँ की डिलीवरी है? रोड नंबर 10 रविकांत हाउस। एक मिनट। क्या मिलता है इससे फॉर्चून कुकीज भेजकर? इससे मिलती है एक किक। अरे जल्दी कर भाई, यही निकल जाएगा। अरे लाइन में खड़ा हुआ हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, तुम रुको। अरे भैया, यहाँ की लाइन तो सिनेमा हॉल की भी लाइन से लंबी है। अरे मेरे भाई, अपना नंबर आने को टाइम है, तब तक सेल्फी निकालते ना, सोशल मीडिया पर डालेंगे, बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा। टेंशन मत लो, कैरेक्टर में, बिल्कुल कैरेक्टर में। हां ओके, रेडी, टेक ब्रो, टेक। पूरे देश में स्वच्छता की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे 10 लोग एक टॉयलेट यूज करते हैं, परेशानी नहीं होती? परेशानी कैसी सर, बहुत मजा आता है। जब तक बंदा हल्का होता है तब तक हम लोग बाहर वेट करते वक्त आराम से गप्पे मारते हैं, और अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो बेइज्जती भी करते हैं। व्हाट अ डायलॉग डिलीवरी। वन मिनट, अरे क्या कर रहा है गधे, टॉयलेट जाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? एक्साइटमेंट कम, वन मिनट। समझ गया ना, मैंने जो कहा याद रख, कैरेक्टर इमोशन, इमोशन को पकड़ के रखा। रेडी, टिक 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 टिक। बताइए, एक ही टॉयलेट को पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करता है, इसमें परेशानी नहीं होती? उस दिन हमका बहुत जोर की लगी हुई थी, लेकिन हमारा पड़ोसी अंदर बैठा बैठा लगाए लॉली पिस्टिक गा रहा था, और हम बाहर बैठे हुए थे, हमारा पेट में गुड़ 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 होता ही चला गया, और ससुर तक हमारी गुड़ गुड़ की आवाज पहुँचा नहीं पाई। इमोशन मस्त था ना सर। वाह, आग इन द फायर। सीरियल जैसी एक्टिंग करने को कहा था तूने? एक्टिंग, दिस इज द रियल इमोशन बेबी। कल इसे पूरा तैयार करवा के लाना, आज के लिए पैकअप। पैकअप आओ वाई ब्रो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाई ने बताया कि आप लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चल कर देखते हैं। मेरी फ्रेंड ज्योति, हाय, मिस इंडिया के लिए तैयारी कर रही है, तुम्हारी फिल्म में इसके लिए कोई रोल है क्या? स्वीटी यार, मैं डॉक्यूमेंट्री। रहने दो, तुम नहीं समझोगे, 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हे, इतना अच्छा लड़का कैसे रिजेक्ट कर दिया? बस दिखता अच्छा है, एक दिन साथ बैठ पूरी तरह पका कर रख देगा, बहुत बोरिंग इंसान है। शौचालय मिलना सबका अधिकार है, आज हमारा देश दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन आज भी इस बस्ती में लोग शौचालय के लिए तरस क्यों रहे हैं? अरे सच में रख लिया, अरे चुप 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 चुप, ये ले।
या मिस्टर एनआरआई, ऐसे डायलॉग सुन सुनकर ये लोग पक चुके हैं। स्लम्स पर फिल्में बनाकर ऑस्कर जीतने के बाद लोग करोड़पति बन गए, पर इन लोगों की तकलीफें तुम जैसे एनआरआई नहीं समझोगे। मैं औरों के जैसा नहीं हूँ। मेरी मेहनत से इनकी समस्या शायद बदले या ना बदले, लेकिन मुझ में बदलाव जरूर आया है। पहले मैं भी ऐशो आराम के बिना एक कदम भी नहीं चल पाता था, लेकिन आज इन लोगों के बीच रहता हूँ। मैं तो पूरा बदल गया हूँ, पर जब तक इनकी समस्या ना बदले मैं कोशिश करता रहूंगा। दिस इज माई जर्नी। कैमरा के सामने तो सब लोग सोशल सर्विस करते हैं, पर तुम कैमरा के पीछे भी सोशल सर्विस करते हो। नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे मैं भी अपनी तरफ से छोटी छोटी सोशल सर्विस करती हूँ। नाइस, किस तरह की सोशल सर्विस देखना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ। और मैं तुझे अपनी दादी से मिलने जाना था ना, तो चल हम शाम को मिलते हैं। ओके कितनी बड़ी छोटी है, मेरी दादी को मरे 10 साल हो चुके हैं। सॉरी, बैड रोड्स। इट्स ओके। आओ ना। अरे बाप रे, इतने सारे पोस्टर्स, ये रेस्टोरेंट या थिएटर? अरे क्या बताऊं, मेरे बॉस चाइनीज फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं। हाय मैम। हाय। रोज रोज ये प्यार भरी बातें करना मुझसे नहीं होता है, मुझे बोर मत करो। तुम बर्थडे भी भूल गए? कम ऑन, भूल गया इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम क्यों बेकार में शक करती हो मुझ पे? प्यार करते तो नहीं भूलते। देखो तुम ऐसा मत किया करो, वरना प्यार खत्म हो जाएगा दिल में। कहना क्या चाहते हो? अरे भूल गया मैं, लेकिन तुमसे प्यार करता हूं। झूठे हो तुम। देखो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा मैम। बिल, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें हर वक्त प्यार जताना जरूरी नहीं होता। सोशल सर्विस। प्रॉब्लम होना तो मैं उन्हें अपने फॉर्च्यून कुकीज से ठीक कर दूंगी। इट्स अमेजिंग। वैसे फॉर्च्यून कुकी का आइडिया आया कहां से? लॉजिक से चलोगे तो ए टू जेड तक पहुंच पाओगे, लेकिन इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं होती। ये मेरे पापा का एक छोटा सा सीक्रेट था। दैट्स नाइस। योर डे मैम। या थैंक यू। थैंक यू। नो, 8 बज गए हैं, कार्ब्स नहीं खा सकता। पता है यार, पर ये काब्ज नहीं है, पनीर बटर मसाला खाओ। अरे हाय सिमरन। ओके हाँ, मैं पहुंचता हूँ।
See you. Bye. Sorry. एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है. इतनी रात को मीटिंग? हे, एनजीओ मीटिंग. मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए. सिमरन मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद कर रही है. वो भी एक एनजीओ में काम करती है. ओके, बाय. अरे, एटलीस्ट टेस्ट तो कर लो. बहुत मस्त है. मस्त तो होगा ही ना. बटर में तैर जो रहा है. किसी और दिन पक्का. लेकिन आज से पहले मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता. 8 बजे के बाद काब्ज नहीं. सी यू लेटर. बाय. बिफोर 8 PM. 8 बजे के बाद सांस भी नहीं लेता क्या? 8 के बाद ये मत करो, वो मत करो. 8 बजे के बाद करता क्या है? तो क्या शादी के बाद 8 बजे के बाद कुछ नहीं करेगा? कितनी सुंदर है ना? करो. खाओ. बहुत अच्छा रिश्ता है. लो, दुल्हन भी आ गई. मैं तो कहती हूँ चट मंगनी और पट ब्याह कर दो. ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा. अगले महीने ही इसकी एंगेजमेंट कर दो. आखिरकार तुझे लड़का मिल ही गया. बहुत ही मोटी पार्टी है. बिल्कुल तुम्हारे जैसी. चला देख तो. ये सब क्या चल रहा है माँ? पहले अपना मुंह खोल मेरी प्यारी बिटिया. बाबा की कृपा से सब हुआ है. मुझे पहले ही पता था तेरी शादी NRI से होगी. शादी की वेबसाइट पर तेरी फोटोज देखते ही फ्लैट हो गया. अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उनकी तरफ से. हाँ है. उस वेबसाइट पर मेरी फोटोज डाली किसने? अरे जिसमें मर्जी डाली हो, लड़का बहुत अच्छा है. फाइनली तेरा प्रिंस इंटरनेट से डिलीवर होगा. भला हो इंटरनेट बनाने वाले का. हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार. लड्डू खा. खाएगी है? यार दादू. हाँ? मैं फिर से आपको कह रही हूँ, मैं किसी NRI से शादी नहीं करूंगी. तो चाहेगी तो भी नहीं होगी. क्या मतलब? मतलब कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है. लड़का खुद ही मना कर देगा. क्या दादू, मजाक मत करो. तो मुंह फुलाकर ऐसे बैठेगी तो मैं मजाक करूंगा ना. चल स्माइल. देखा. हाय. हाय. हो गया तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट वर्क? कौन सा? एनजीओ मीटिंग. ओह, बहुत अच्छी रही. सिमरन ने बहुत मदद की. सिमरन? इसके तो नाम में ही रन है. सिमरन के साथ तो तुम पक्का दौड़ने जाते होगे. एक्चुअली हम दोनों ना एक जैसे ही हैं. वो भी पूरी फिटनेस फ्रीक है. हे, अभी उसकी बात कर रहे थे और वो सामने आ भी गई. वो रही. हाय. हाय अभी. स्वीटी, मीट सिमरन. हाय. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू टू. अभी मैं निकलती हूँ. हेक्टिक डे. वो कीर्ति की शादी है ना, बहुत काम है. शॉपिंग के लिए जाना है. हे, मैं सिमरन को बता रहा था कि कीर्ति की शादी में इसे भी आना चाहिए, लेकिन ये आने में शर्मा रही है. तुम मनाओ ना इसे. मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ. आके क्या करूँगी? I won't be comfortable. अरे ये बिल्कुल ठीक कह रही है ना? मैं रहूँगा. स्वीटी भी तो होगी वहाँ पे. You are coming. That's it. पर मैं तो बिजी रहूँगी ना. Come on, Zimran. Okay, I'll come. लेकिन शादी के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास. देखो स्वीटी शॉपिंग के लिए तो जा ही रही है, हम भी उसके साथ चलते हैं. सिंपल. Oh, really? You know, स्वीटी, सिमरन ने एक NGO ज्वाइन किया है जो स्लम्स को साफ करने का काम करती है, और अब मेरी डॉक्यूमेंट्री को ज्वाइन करने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और नेक्स्ट वीक स्लम में टॉयलेट क्लीनिंग का कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है.
बाहर से सुंदर, अंदर से अति सुंदर, इसे धरती पर नहीं आसमान में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क करने के लिए लंदन से यहाँ इंडिया आई है। वाओ, लंदन से यहाँ तक बस बेचारी टॉयलेट साफ करने आई है? पर क्यों, वहाँ पर टॉयलेट्स कम पड़ गए थे क्या? गुड वन। ओके स्वीटी, शाम को शॉपिंग के लिए चलते हैं, ठीक है? सी यू देयर। चलो सिमरन। सी यू। व्हाट आर यू लिसनिंग टू? जस्टिन बीबर, न्यू एल्बम। ओह, दैट्स रियली गुड। पतली लड़कियों को इंडिया का वीजा नहीं मिलना चाहिए। सच सच बताओ, तुम्हारा यहाँ इंडिया आने का असली रीजन क्या है? जॉब से ब्रेक चाहिए था या बॉयफ्रेंड छोड़कर भाग गया? चक्कर क्या है? डोंट बी चीप यार, मैं यहाँ पर सोशल सर्विस करने ही आई हूँ। ओके, एक्चुअली इस जगह की बात ही कुछ और है, लेकिन कभी कभी अकेलापन लगता है। हमारी कहानी सेम है। एमबीए करके एक अच्छी सी जॉब कर सकता था, लेकिन समाज कल्याण के लिए सब छोड़ दिया। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं निकल तो गया, लेकिन पीछे अपने माँ बाप का दिल तोड़ दिया। वो आज भी मुझसे बात नहीं करते। उन्हें तुम्हारी फिक्र होती है, इसीलिए वो नाराज है। कम से कम वो तुम्हारी फिक्र तो करते हैं, मेरे तो करते ही नहीं। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ रहने के बाद खुद को पहचान पाओगी और जिंदगी का मकसद समझोगी। रियली? तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी इसे बांध दो ना। या। वाओ। ब्यूटीफुल। दूसरी पहन के आती हूँ। ओके। इसका बैकग्राउंड ठीक से चेक किया है ना? क्योंकि मैंने सुना है फॉरेन के एनजीओ से इंडिया के किसी भी एनजीओ में आकर काम करने वाले 90% लोग फ्रॉड होते हैं। ये नहीं कह रहे कि सिमरन फ्रॉड है, बस जनरली ये तो हीरा है। मैडम जी, ये एकदम लेटेस्ट पीस है। बेस्ट है। ये वाला मुझे थोड़ा लूज हो रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल दिखाइए प्लीज। आपको मैं डबल एक्सेल दिखाऊं मैडम? डबल एक्सेल? अपनी पत्नी को दिखाओ। मेरा साइज मीडियम का भी एक्स्ट्रा स्मॉल है। लेकिन ये तो मीडियम साइज ही है मैडम। तो मैं यही पहनूंगी। मैडम ये मत पहनिए, ड्रेस फट जाएगी मैडम। स्वीटी, हाई वेस्ट ट्राई करके देखो, वो तुम्हें एकदम परफेक्ट फिट आएगा और अच्छे से कैरी भी कर पाओगी उसे। रियली? अब इस चुड़ैल से फैशन टिप्स लेनी पड़ेंगी, जिससे टॉयलेट साफ करती वही पहन कर आ गई। थैंक्स। I'll go with this. ठीक है जी? ये, हाँ, thank you, pack कर दी। स्वीटी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ड्रेस ट्राई कर रही हो या नई ड्रेस बना रही हो? स्टॉप इट अभी। मजाक कर। अरे पैक कर दो। भला ये इसे कैसे फिट आ गया? लेट्स गो। यू नो स्वीटी, सिमरन ने एक टूर प्लान किया है जहां हमारे क्लीन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एनजीओस ज्वाइन करेंगे। मुझे तो अभी का कैंपेन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। मेरे पास इसके लिए एक स्लोगन भी है, बताना कैसा लगा? टॉयलेट रखो हाई फाई, डॉक्टर को बोलो बाय बाय। हे सुपर्ब। थैंक यू। टॉयलेट रखो हाई फाई। तुम्हारे जोश को देखकर लगता है कि दुनिया के सारे टॉयलेट्स तुम अकेले ही साफ कर दोगी। देखना अभी टॉयलेट कैसे चमक उठेंगे। सी यू लेटर, बाय। लो मैं पकड़ता हूं। ओके। तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ।
संभल के। पहली बार दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। उस समय चीनू की आइसक्रीम पाने के लिए डॉली को उसके गालों पर पप्पी देनी पड़ी। शादी में आई लड़कियों को लड़कों ने पटाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पल रोहित के छेड़ने से कीर्ति बहुत शर्मा रही थी। उस पल लगा कि मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग फाइनली मिल गया और ज्योतिष से ज्यादा अच्छा भविष्य तो मेरी मशीन बताती है। जी शादी के ढोल बजे, घर में खुशियों के जाने कितने रंग सजे। सुन लो जी शादी के ढोल बजे, घर में खुशियों के जाने कितने रंग सजे। ताल पे इसके हम सब ऐसे नाचेंगे, दुल्हन भी आकर ताल से ताल मिलाए रे। सुन लो जी शादी के के जाने कितने रंग सजे। सुन लो जी शादी के ढोल बजे, खाने को देख देख मुंह में पानी आए। सुन लो जी शादी के ढोल बजे, तड़के मसाले की खुशबू मदहोश करे। खुशबू तुमसे क्या बोले, जोड़ी ये दूधो नहाए और पूतो भले। सुन लो जी शादी के ढोल बजे, घर में खुशियों के जाने कितने रंग सजे। जैसे पर्वत पे बादल झुके, प्रेम की सारी बातें करे, दिल में लहरों से मेरे उठे, तू जो हल्के से मुझको छुए, तूने होठों पे मेरे जो ही लब रखे, आज की शाम आकाश की ना ढले, प्रिय ओ हम सफर मेरे। तुझे ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? उन लंदन वालों ने स्वीटी की फोटोज देखकर ही उसे पसंद किया था, पर वो स्वीटी की असली फोटोज नहीं थी। इधर ला, डुप्लीकेट फोटो थी। इस डिब्बे ने स्वीटी की फोटो को एडिट करके और फोटोशॉप करके उन्हें भेज दिया था। देखिए ना बाबूजी, इन्हें देखकर कौन कहेगा कि फोटो स्वीटी की है? लड़के वालों को ये बात पता चलेगी तो हम क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो बेटा। बस सब बहुत हुआ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, कल से स्वीटी साइज जीरो क्लिनिक जाएगी। बेटी, स्वीटी से तो एक बार पूछ लो इसके बारे में। ये मेरी बेटी का सवाल है, आप बीच में मत बोलिए। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए और ना ही किसी की बात सुननी है। स्वीटी साइज जीरो क्लिनिक जाएगी और ये आखिरी फैसला है। अब बस यही रास्ता है शादी को बचाने का, चाहे कोई कुछ भी कहे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है दादू, आखिर मैं कब तक इन पर बोझ बनी रहूंगी? कोई राजकुमार मुझे लेने नहीं आएगा, वजन कम किए बगैर मेरी शादी नहीं होगी। मैं तैयार हूं मां, साइज जीरो क्लिनिक जाने के लिए। आप लोग जिससे कहेंगे मां, मैं उससे शादी कर लूंगी।
सच में 4 किलो लूज किए 1 महीने में? हाँ, यकीन नहीं होता ना। यहाँ सब कितने मॉड हैं। चश्मा लगाती हूँ। हाय मैम। हेलो। वेलकम टू साइज जीरो। हाँ, वेलकम वेलकम। न्यू एडमिशन? हाँ, थैंक्स यू। ये फॉर्म भर दीजिए। ये ले। ये करने से पक्का वजन जल्दी घटेगा ना? हाँ, बिल्कुल मैम। मैं क्या कह रही हूँ, पैसे इंस्टॉलमेंट्स में भर सकते हैं क्या? ये तुम क्या कह रही हो, फ्रिज और टीवी तो दूर की बात है, लोग तो आजकल इंस्टॉलमेंट्स में दहेज भी ले रहे हैं। यहाँ मेरे पैसे तो नहीं डूबेंगे ना? विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है, ये अपना उसूल है। अगर हमारे क्लिनिक पर आपका विश्वास नहीं होता तो आप आती क्या मैडम? नहीं नहीं नहीं, आंसर आपने खुद ही दे दिया मैडम। आई एम साइज जीरो सत्यानंद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इसमें कोई रिस्क की बात तो नहीं है ना सर? बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा। मैडम पलक झपकते ही आपकी बेटी एक कली की तरह खिल उठेगी, क्या आप उनके लिए इतना रिस्क नहीं ले सकती? लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, क्या आप इतना रिस्क नहीं ले सकती? और वैसे भी मैडम आप इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, तो लड़के इसको पटाने से पहले कहीं आपको न पटाने, तो मैडम रिस्क तो लेना ही चाहिए। सर ये मेरी बेटी स्वीटी है, अगले महीने इसकी शादी फिक्स हुई है, लड़का लंदन से है, इसे सुमो रेसलर से मॉडल बनाना है, हो जाएगा ना? जब किसी भी चीज को करने की ठान लो तो ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देता है। सिल्की इसे ना वो एक्सप्रेस वेट लॉस प्रोग्राम में डाल दो। ओके सर। सर डिस्काउंट? राजेश्वरी मैडम जो भी मर्जी है वो खाइए, पर शरीर को कष्ट मत दीजिए। हमारी सलाह मानकर बस आराम से अपना वजन घटाइए और ऊपर वाले का नाम लेकर हमारी बात मानते जाइए। बस मैडम डिस्काउंट की बात मत, गलत मत समझिए, अभी मेरे पास सिर्फ 25,000 है, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी। नो 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 प्रॉब्लम मैडम, एडवांस तो वैसे बहुत लाइट है, लेकिन बेटी का फ्यूचर बनना ब्राइट है तो एडजस्ट कर लेंगे। जस्ट मिनट। लक्ष्मी जी हमेशा रिस्पेक्ट कर लीजिए। मिस्टर जी प्लीज कम, अपने पर्सनल ट्रेनर से मिलवाता हूँ। दिस वे प्लीज। जी चल भी। तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर में जितना भी फैट है ना, उससे ये मशीन ग्राइंडर की तरह ग्रर करके सारा निकाल देगी। बहुत मजा आएगा। हेलो सर, इज योर पर्सनल ट्रेनर बॉबी। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसका सक्सेस रेट 100% है। ये मशीन बंद नहीं हो रही सर, सर कुछ करो सर, सर होगी। डरने की बात नहीं है, ये वाली मशीन ना लंदन से आई है, मेड इन चाइना, इंस्ट्रक्शंस चाइनीज लैंग्वेज में, ना हिंदुस्तानी है समझ नहीं पाता जल्दी। हेलो मैडम, नमस्ते, मैं हूँ बॉबी मक्खन वाला, मैं आपकी बॉडी से फैट को मक्खन की तरह बाहर निकाल दूंगा। इनको वेट लॉस नहीं करना, इनको करना। अच्छा इनको। He is always funny, come this way. नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या कर रहा है तू? ए मक्खन वाला, मुझे पीछे से नहीं आगे से पेट कम करना है। किधर से? तुम्हारा पेट कम, पंचिंग मशीन ज्यादा है, ऐसी 10 मशीनें भी कम पड़ जाएंगी। ची। कहाँ है वो जलेबी? लगता है आई नहीं है। तुम्हारे वॉलंटियर्स कहाँ पे? आज इंडिया पाकिस्तान मैच है, सुनामी आ गई होती ना तब भी कोई दिखाई नहीं देता। मतलब सिर्फ हम दोनों को ही पूरी गली साफ करनी होगी। वेरी नाइस। हम क्लीन इंडिया कैंपेन से आए हैं, आपकी गलियां साफ करने वाले हैं, इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप लोग हमारा सहयोग दें। अब क्या करेंगे यार? तुम्हें वॉलंटियर्स चाहिए ना, अब मिल जाएंगे। अरे तुम कहाँ चल दिए, घर में बहुत काम है, चलो अंदर। अरे सुनो, मैं आपकी मदद करूं? थैंक यू अंकल। अरे
इतने वॉलंटियर्स चलेंगे या और? अरे नहीं, 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 काफी है, बहुत अच्छे, चलो। सिर्फ एड्स के लिए नहीं, सोशल सर्विस के लिए भी ग्लैमरस होना पड़ता है। जंबो क्या कर रहे हैं यहाँ तू? मैंने भी ज्वाइन किया। ज्वाइन किया? कब किया? कौन से पैकेज में? एक्सप्रेस ज्वाइन किया। गुड, ये मेरी फ्रेंड है। देखिए, इस हफ्ते मैं आप लोगों को सारी मशीन्स के बारे में बताऊंगा, सो फॉलो मी। ओके, इस मशीन को इंडोनेशिया से मंगवाया है, इसके अंदर फैट बर्निंग ऑक्सीजन है। ये गुदगुदी वाली मशीन है, गुदगुदी करके सारा फैट कम कर देती है। ये साइज जीरो क्लिनिक का मैजिक प्रोटीन शेक है, इसको रोज एक ग्लास पीने से तुम्हारे मोटे पेट से फैट ऐसे भागता है जैसे हवा। इधर से पकड़ो और सीधा अंदर ले लो। स्वीटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये साइज जीरो किस लिए? पता है ना जल्दी वेट लॉस करने के कितने साइड इफेक्ट्स हैं? जल्दी वेट लॉस के साइड इफेक्ट्स तो नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मुझे ऐसे कोई पसंद नहीं करेगा। जिस लड़के ने शादी के लिए हाँ की है, उसने फोटोशॉप वाली तस्वीर देखी है। पर तुम ये सब मुझे बता भी सकती थी ना? तुम तो अचानक गायब हो गई, दोस्ती के नाते मुझसे शेयर तो कर सकती थी ना? अभी मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तुमने पूछा था ना कि मैंने साइज जीरो क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, अभी थक चुकी हूँ लोगों की सिर्फ एक दोस्त बनकर। अरे कोई बोलो, कैसे हो? बुलाओ किसी को, मदद करो। ज्योति, 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 ज्योति। सॉरी सर, ये टेक्निक किसी की जान बचाने के लिए होती है, उसकी जान लेने के लिए नहीं। ज्योति को क्या हुआ है? मैंने तुम लोगों से कितनी बार बोला है, वेट लॉस प्रोग्राम से डिहाइड्रेशन होता है, उसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आई थिंक शी इज बेटर। या इसको जरूर प्यास की वजह से चक्कर आया होगा, इसको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। और आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, प्लीज ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। एक हफ्ते में ब्यूटी कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तब तक मैं डिस्चार्ज तो हो जाऊंगी ना? ब्यूटी कॉन्टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी सेहत है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाओ, फिर हम मिलकर पार्टी करेंगे। ओके? उस क्लिनिक में कस्टमर को जो शेक देते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। कम टाइम में इतना वेट लॉस करने के लिए ये क्लिनिक वाले इल्लीगल ड्रग्स यूज करते हैं, जिसका डायरेक्ट असर किडनी पर पड़ता है। वैसे ज्योति ये कब से कर रही थी? 3 महीने हो गए। इस जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, चुटकी में सॉल्यूशन चाहिए। एक क्लिक में हस्बैंड, एक क्लिक में जॉब और कार, एक क्लिक करो तो डिवोर्स, और फिर एक क्लिक में वेट लॉस। ज्योति की एक किडनी फेल हो चुकी है, जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। कुछ लोगों को फैट बर्नर्स से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। होप शी इज लकी। हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स हैपनिंग हियर? क्या चल रहा है यहाँ? स्वीटी बोल रही है कि कैन आई हेल्प यू? आप लोग जो यहाँ पर इल्लीगल फैट बर्नर्स यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से ज्योति हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने जल्दी सर्जरी करने के लिए कहा है। प्लीज लोगों को भड़काइए नहीं, जस्ट डोंट स्प्रेड रूमर्स। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, यू नो, ये एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड क्लिनिक है। भाड़ में गया तुम्हारा सर्टिफिकेट और भाड़ में गया ये प्रोग्राम। अपनी एड्स में तो केवल 10 दिनों के अंदर 10 किलो वेट लॉस का वादा, उसमें एक कंडीशन सप्लाई जोड़ देते हो, वजन के साथ किडनी और लिवर भी कम हो रहे हैं। इस धरती पर एक मनुष्य जैसे पैदा होना दरअसल भगवान की सबसे बड़ी भेंट है, कवि कृष्णमूर्ति। और मैं इतने सालों से यहाँ यही तो कर रहा हूँ, मोटे लोगों को दूसरा जीवन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रवचन दे रहा है और वहाँ ज्योति हॉस्पिटल में है और मौत से लड़ रही है। सुनो, ज्योति के ऑपरेशन का खर्चा तुम दोगे। आखिर असलियत जुबान पर आ ही गई।
ये सारा ड्रामा तुम पैसों के लिए कर रही हो, ये पहले ही बता देती तो कितना अच्छा होता। She just wants money। तुम्हारे ही जैसे दो कौड़ी के एक्टरों के लिए मैंने अपने एडमिशन फॉर्म में एक क्लॉज डलवाया हुआ है। वो ये कि अगर इस प्रोग्राम को करते हुए हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। और तुमने भी एडमिशन लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट खुद अपने हाथों से साइन किया है, जरा पॉइंट नंबर 6 चेक कर लो। गॉट इट? एंड मोर ओवर, ज्योति की बीमारी के पीछे मेरे प्रोटीन शेक्स थे या कहीं कोई और पिल्स विल्स ले रही थी, क्योंकि वो तो शी वांटेड टू बिकम अ ब्यूटी क्वीन। नो, तुम जैसी सोच रखने वालों की वजह से आज औरतों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। देखो, अपनी जुबान पर लगाम दो, प्लीज गिव रिस्पेक्ट। मैंने कहा था कि ज्वाइन करो, हाँ? तुम ही रोते हुए आई थी कि उस लंदन वाले से शादी करनी है, मुझे एडमिशन दे दो। क्या मैं तुम्हारे पास आया था कि एडमिशन ले लो? मेरी बेटी को इतने से इतना कर दो, किसने कहा था बताओ? लेजी लेजी लेजी, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, बस एकदम से रिजल्ट्स चाहिए। फिर शिकायत करने आ जाते हैं। प्लीज प्लीज गो टू जॉब्स, गो फोकस ऑन योर वेट लॉस, कमान कमान, फोकस फोकस, कमान, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। आखिर क्यों दादू, पापा मुझसे झूठ क्यों कहते थे? पापा कहते थे कि हम गिरते हैं इसलिए ताकि ऊंचाइयों को छू सके, पर सच तो ये है कि मैं जिंदगी में जब जब गिरी हूं और गिरती जाती हूं, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। तुझे याद है बेटी, तू और तेरे पापा रेलवे स्टेशन जाकर वो वेट वाली मशीन से टिकट इकट्ठा करते थे? याद है, वो मशीन हमेशा उस टिकट के जरिए मेरे भविष्य को बताती थी, पर मैं उसे कभी नहीं समझ पाई। ये वो टिकट है जो तेरे पापा ने मुझे तुझे देने को कहा था। इस पर तो कुछ नहीं लिखा। हाँ, नहीं लिखा है, अपना भविष्य हम खुद लिखते हैं। तेरे पापा चाहते थे कि तू अपने आप को खुद पहचाने, और इसीलिए ये टिकट तुझे देने को कहा था। तो समझ गए ना बेटी? बोलो। सुनो बेटी, आज से तो अपना भविष्य अपने आप लिखेगी। भगवान पर भरोसा रखो, मुझे तुम पर यकीन है। बेस्ट ऑफ लक। बेटा जरा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। फोटो में तो बिल्कुल अलग दिख रही है, लेकिन दिखने में कुछ और ही है। लगता है इन लोगों ने फोटोस को जरूर फोटोशॉप किया होगा। हमें गलत फोटो भेजकर मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? लगता है गलती से मेरे बेटे ने आपको पुरानी फोटो भेज दी। वैसे अब तो ये साइज 0 क्लिनिक भी जाती है, एकदम पतली हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। देखिए, आप इन फोटोज पर मत जाइए, कुछ गलत फहमी हुई है। फोटो वोटो छोड़ दीजिए, अब तो साक्षात आपके सामने खड़ी है हमारी बिटिया, इसमें तो कोई धोखा नहीं है ना? धोखा कैसे नहीं है, इन फोटोज को देखकर ही हम लोग लंदन से यहाँ आए हैं। एक NRI से शादी करवाने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे क्या? पता नहीं मैडम के और कितने राज छुपा रखे होंगे। हो भी सकते हैं, अगर इसके पिता जिंदा होते तो शर्म से मर जाते बेचारे। आंटी, पारा बहुत चढ़ रहा है आपका, जरा कूल डाउन कीजिए। यहाँ वॉशिंग मशीन खरीदने आए हो क्या? हर दो मिनट में नया नुक्स ढूंढ रहे हो, पसंद नहीं आई तो मना कर दो ना। चलो उठो यहाँ से। लड़की मोटी है तो रिजेक्ट कर दोगे, पर अगर वो शादी के बाद मोटी हुई तो डिवोर्स दे दोगे? अगर लड़कियाँ इस वजह से लड़कों को रिजेक्ट करने लगी ना, तो आधे लड़कों की शादी नहीं होती। बाहर का रास्ता पता है या छोड़ कर आऊं? अरे क्या कर दिया? आंटी, वो ग्लास हमारा है, वापस रखो प्लीज। थैंक यू। गुड मॉ, मम्मी। It's gonna be a new beginning in her life. She's on the way to reach out her destiny. But beauty lies in what she is. Oh. Hey, sweetie.
स्वीटी जलेबी खा लो। माँ, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इतनी गुस्सा हो? बापूजी आपने अपनी दवाई ले ली? आप भी ना माँ, बच्चों की तरह बिहेव करती हो। ये डिब्बा भी ना, पता नहीं कहाँ चला जाता है। दादू यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो लोग माँ की बेइज्जती कर रहे थे, मैं क्या खड़ी खड़ी देखती रहती? तो अब तक शादी ना कर लेती अगर तुझे मेरी इज्जत की इतनी ज्यादा परवाह होती। तेरी शादी ना होने के कारण मोहल्ले वाले मुझे कितना ताना मारते हैं, लोगों के ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। माँ, मुझे लगता था मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, आज पता चला बोझ हूँ। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले? थैंक्स, मैं काब्ज नहीं खाऊंगी। अरे ये काब्ज थोड़ी हैं, जलेबी हैं, एकदम मीठी। तुम्हें जलेबी सूट नहीं करती। एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की ने मुझसे कहा था कि हर प्रॉब्लम का सलूशन जलेबी में ही होता है। स्वीटी, मैंने ज्योति के बारे में सुना, आप ठीक तो है ना? वो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसी लड़की उस साइज़ जीरो के झांसे माई कैसे? तुम तो बहुत अकलमंद हो। मैं स्मार्ट नहीं हूं अभी, बेवकूफ हूं। मुझ जैसे बेवकूफ बहुत सारे हैं। रोज जब खुद को आईने में देखती हूं तो मोटे होने का दुख होता है। टीवी में, होर्डिंग में, यहां तक कि फिल्मों में, सब जगह स्लिम लड़कियां ही देखने को मिलती हैं। पता नहीं एक मैं ही क्यों मोटी हूं। जब भी लड़के वालों के सामने जाती हूं दिमाग में बस यही टेंशन रहती है कि फिर से मुझे मना ना कर दे। तुम नहीं समझोगे। शायद तुम भूल रही हो, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। प्लान तो दोनों का था ना। अभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ज्योति के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो, उन्हें इस किए की सजा मिलनी चाहिए। हमें जरूर कुछ करना चाहिए अभी। चरण, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि साइज जीरो के इलीगल फैट बर्नर्स के कारण ही ज्योति की किडनी फेल हुई है। हमें साथ मिलकर उन्हें एक्सपोज कर देना चाहिए। नहीं स्वीटी, मैं तो इन्हें ज्वाइन करके बहुत खुश हूँ। साइज जीरो ज्वाइन करके मैंने 15 किलो वजन घटाया है। सॉरी स्वीटी, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे मेरा एडवांस वापस थोड़े ही ना मिलने वाला है, और मैंने तो 7 किलो वेट लॉस भी किया है यार। सब कुछ ट्राई करने के बाद मैंने 10 kg लूज किया है, और इसीलिए मेरे हस्बैंड मुझे यूरोप ले जा रहे हैं। प्लीज बुरा मत मानना। Hey guys, क्या प्लान है आज का? ज्योति की हालत देखकर सिमरन बहुत ज्यादा घबरा गई है। किसी और के साथ ऐसा ना हो इसलिए अब हमारी मदद करेगी। Thanks. मैं यहाँ साफ सफाई पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने आया था, लेकिन अब लगता है कि सड़कें साफ करने से ज्यादा जरूरी है लोगों के दिमाग में बसी गंदगी साफ करना। असली प्रॉब्लम सत्यानंद या साई जीरो जैसी क्लिनिक नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो खुद से भाग रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर ये क्लिनिक वाले अपना धंधा चलाते हैं। जो लोग एकदम से पतला होना चाहते हैं ना, मुझे तो वो लोग पागल लगते हैं। सॉरी स्वीटी, मेरा वो मतलब नहीं था। स्वीटी, सबसे पहले हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। हम ये कैसे करेंगे? देखो मुझे क्या मिला। हम भी अगर चाहें तो ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे साइज जीरो को क्या फर्क पड़ेगा? जैसे लोहा ही लोहे को काट सकता है, वैसे ही पब्लिसिटी पब्लिसिटी को मात दे सकती है। हा?
कैसे जूस बिना बिन पानी के मटके सा, ये फिगर है क्या? पेपर डोसा पतला सा, घिसा हुआ रस्ता सा, हवा में उड़ जाए ना, ये फिगर है क्या? भरे भरे डोसे सा, मधुमक्खी के छत्ते सा, भरे भरे डोसे सा, मधुमक्खी के छत्ते सा, खिले हुए गुलदस्ते सा बन जाओ रे मधुबाला। चंदन के पेड़ सुंदर लगते हैं या खाली हड्डियों वाली काया, गोल मोल गालों पे है किसका मजा, तो क्यों स्केलेटन जैसा बनना, जलने दो, लुक तेरा वेरी सेक्सी, हाई टू इट नो मैटर है जी, हाँ देखो मैं हूँ साई सेक्सी, कॉन्फिडेंस है इसी में जी। पतले होने की चाह रखने वाली मेरी दोस्त साइज जीरो क्लिनिक के झूठे दावों और वादों का शिकार बन चुकी है। ज्योति के साथ जो भी हुआ, हम नहीं चाहते किसी और के साथ हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप सब मिलकर सामने आइए और ज्योति की मदद कीजिए। साइज जीरो से नहीं बल्कि खुद से करो प्यार, ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और वो काफी पॉपुलर हो रहा है। आइए जानते हैं ऑडियंस से उनका क्या कहना है। मैं पिछले हफ्ते ही एक लड़के से मिली, उसने और उसके घर वालों ने पूरा 2 घंटे मुझे मेंटल टॉर्चर किया, फिर मैंने भी बोल दिया निकल जाओ, रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह, जैसी हूँ मस्त हूँ। पतला होना जरूरी नहीं है, तो फिर आजकल चबी होना तो ट्रेंड में है। ओह, साइज जीरो का तो पता नहीं लेकिन सॉन्ग मस्त है। पुराने जमाने की जितनी भी हीरोइन होती थी, क्या वो साइज जीरो होती थी? वो दिखने में कितनी ब्यूटीफुल और क्यूट होती थी। साइज जीरो के फैट बर्नर्स ने मेरी किडनी डैमेज कर दी, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। हमें एक साथ इसके खिलाफ लड़ना होगा। सर, इस जंबो साइज से बच के रहना, कहीं ये आपका साइज जीरो ना कर दे। अब तो मीडिया भी इसका सपोर्ट कर रहा है, कहीं दुकान ना बंद करनी पड़ जाए। मीडिया और राजनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता बॉबी। मैनिपुलेशन करके वो लोग रातों रात विलेन को भी हीरो बना सकते हैं। ओहो, निरंजन टीवी वाले को फोन लगा। कौन से मनोरंजन को? निजम निरंजन। मेरे शो में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ निजम निरंजन, करता हूं पोस्टमार्टम। साइज जीरो को करो ना और अपनी साइज को करो हाँ, ऐसा कहना है हमारी स्वीटी जी का। और बढ़ते मोटापे को खत्म करो, साइज जीरो को वेलकम करो, कहते हैं हमारे सत्यानंद जी। तो स्वीटी जी, अब हमें बताइए, स्लिमिंग सेंटर में जाकर वेट लॉस करने में आपको क्या आपत्ति है? वेट लूज करने में कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति इनके तरीकों से है। इनके क्लिनिक में जो फैट बर्नर दिए जाते हैं, नो, स्वीटी जी, आप टॉपिक बदल रही हैं, ये गलत है। चलिए हम जनता से ही पूछते हैं, आप सुन लीजिए। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारा बेटा हम पर ही बोझ बन गया था। शेयर ऑटो वाले उसे बिठाने से मना कर देते थे, कहते थे इसे तो ट्रक में स्कूल भेजो। फिर हमें सत्यानंद जी मिले जिन्होंने डबल डिस्काउंट देकर मेरे बेटे को सिंगल बेड में फिट कर दिया। ये शो तो पूरा फिक्स है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर कह रही हूँ कि वेट लॉस से प्रॉब्लम नहीं है, इनके तरीकों से है। इनका कहना है कि हमारा मोटापा बीमारियों का घर है, लेकिन डियर मिस स्वीटी, आपको ये सही नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आप चीप पब्लिसिटी के लिए टीवी पर ये सब ड्रामा करके रातों रात फेमस होना चाहती हैं। इसके जवाब में आपका क्या कहना है? मैं कहूँगी आप ठीक कह रहे हैं, ये सब एक नाटक है, यहाँ जो भी बैठा है पैसे लेकर एक्टिंग करने आया है। क्या आपने ये सब कुछ? भले ही मेरे सर के ऊपर कितनी भी कठिनाइयों के बादल क्यों ना आ जाएं, मैं कभी हार नहीं मानने वाला। सत्य वो संपत्ति है जिसमें निवेश करके जिंदगी भर सुख मिलता है, लेकिन झूठ वो कर्ज है जो जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। मैं तो पहली बार देखकर ही इस बेचारी माँ का दुख समझ गया था, और मेरे साइज जीरो के द्वारा मैंने इसकी मदद की तो क्या कुछ गलत किया? अगर मैं गलत हूँ तो फांसी दीजिए,
लेकिन अगर सही हूँ तो दुआएं दीजिए। देख लिया कैसे स्वीटी जी का पब्लिसिटी पाने का प्लान उन्हीं को भारी पड़ गया और वो मुंह के बल गिरी। बार बार देख कर आनंद लीजिए। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी। तो मुझे और कितने दिन तक अपसेट रहोगी? कम ऑन स्वीटी। स्वीटी उठो, मुझे पता नहीं था तुम इतनी डरपोक हो। पहली बार मुझसे मिलने के बाद रिजेक्ट करके बड़ी हिम्मत दिखा रही थी, अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था, तुमने किया था। अरे नहीं नहीं स्वीटी, अभी नहीं नहीं अभी नो। अरे स्वीटी क्या कर रही हो? नहीं मत करो। अरे 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 अब दिल भरा तुम्हारा? नहीं अरे अरे रुको स्वीटी। स्वीटी तो अरे स्वीटी नहीं। हे गाइस, क्या चल रहा है? अरे ये शनि बीच में क्यों ले गया? नमस्ते स्वामी जी। जो मांगना है वो मांगो राजेश्वरी, ऐसे फालतू में हाथ क्यों फैलाती हो? आई क्यों हो ये बताओ। स्वीटी पर नया भूत सवार हो गया है, किसी क्लिनिक वाले से लड़कर क्रांति लाना चाहती है। आपके बताए सारे उपाय करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। बताऊंगा, दिव्य दृष्टि से देखकर तुम्हें अवश्य बताऊंगा। जी जी। वन मिनट एक्सक्यूज मी। राजेश्वरी बोलिए ना। तुमने उपाय करते समय कोई गड़बड़ कर दी है, इसी वजह से तुम्हें ये दुष्परिणाम मिल रहा है। लेकिन इस बार किसी भी प्रकार की गलती ना होने पाए, तन मन और धन से इस बार विदाउट एनी मिस्टेक्स मैं स्वयं हिमालय पर चढ़कर पूरे 6 हफ्तों के लिए तुम्हारी बेटी के लिए तपस्या करूँगा। फिर उसके बाद तुम्हारी बेटी स्वीटी को एक गोलू मोलू सावर मिल जाएगा। परंतु ज्योतिष जी, myself having little doubt। फिर से तुम्हारी डाउट की तो है? जब देखो तब डाउट ही डाउट। मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं खुद इस बार उपाय करूंगा। हैं? जल्दी बनो। रुक जाओ। अंबा, अंबा नहीं तो? ज्योति, तुम्हारी तबीयत सुधर रही है? डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, बिल्कुल चिंता मत करो। कल तक मैं सोचती थी कि मेरे सारे सपने और खुशियां ये साई जीरो सच कर देगा। प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस करो कि उन लोगों ने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ना करें। प्रॉमिस। अभी ऑपरेशन के लिए जो 25 लाख चाहिए वो साई जीरो के सत्यानंद को ही देने होंगे। हर एक विलन का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है, इसका कौन होगा? क्या मतलब? मतलब ये स्लिमिंग सेंटर वालों का अगर धंधा बढ़ने लगा तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? जिम्स और फिटनेस सेंटर्स, इन सभी लोगों का नुकसान होगा। Very impressive guys, काबिले तारीफ है ये। Interesting stuff.
हमारे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं थैंक्स, तो मुझे आपको कहना चाहिए। लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक फिटनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप लोगों के इस अभियान को मेरी कंपनी स्पॉन्सर करेगी। मार्केटिंग कैसे करनी है मिलकर डिसाइड कर लेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। वैसे आपका वो गाना देखा मैंने, बहुत ही अच्छा आइडिया था वो। थैंक यू। ओह नो, सिमरन को आज मूवी दिखाने ले जाना था, इस बार तो वो मुझे मारी डालेगी 100%। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? ये फोटो देखकर उसे लगेगा कि तुम्हें बुखार है। I'm sorry, सिमरन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मेरा विश्वास करो, मैं खुद तुम्हारे साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहा हूँ पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिक्र इस बात की है कि मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ रही है। सिमरन ट्रस्ट मी, मैं पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कोई बिगड़ी हुई मशीन नहीं है जो ठीक कर दोगे, दिल है मेरा। अभी मैं यहाँ कैंपेन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ और तुम यहाँ लवर बॉय बनके बैठे हुए हो। नहीं स्वीटी, ये प्यार इश्क और मोहब्बत के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। पता नहीं ये लोग एक दूसरे से प्यार कर कैसे लेते, बोर नहीं होते? अरे चल जाएगा पता, अभी शेखर फोन कर रहा है, ये बातें बाद में डिस्कस करते हैं ना। हाय शेखर, कल कैंपेन का एड शूट है, तुम्हें जरूर आना है। गेट फिट डोंट क्विट नया कैंपेन शुरू होने जा रहा है, जिसकी एम्बेसडर है मिस स्वीटी। इनके इस नए फिटनेस प्रोग्राम को शहर के लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। आपकी बेटी को मिल रही पॉपुलैरिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने उससे पिछले 2 महीने से बात नहीं की, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। फालतू का नाच गाना लगा के रखा है उसने, कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी हरकतें करेगी, हमारी नाक कटा दी। अब क्या हो गया? माँ अब तक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। अरे इसमें मनाना क्या है, उन्हें तो गर्व होना चाहिए तुम पर। स्वीटी आजकल दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले बहुत ही कम रह गए हैं, यू आर स्पेशल, हम सबको तुम पर गर्व है। अगर पहले ही मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जान लेता तो तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं शादी के लिए हाँ कहता। क्या अभी ने मुझे प्रपोज किया है या कहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, कहीं ये सपना। हाय। हाय। सॉरी तुम्हें बताना भूल गई, अपने कैंपेन के लिए मैं और शेखर सेलिब्रिटीज को इनवाइट करने जा रहे हैं, मुझे जाना होगा। आई सी यू टुमारो, बाय। हे, होप ऑल गुड। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम एक दूसरे से कैसे मिले थे अभी? अभी तुम्हें याद है तुम पहली बार मुझे कहाँ मिले थे? टॉयलेट के पास मिला था ये मुझे। It was so funny. पता है मुझे लगा कि ये कोई वॉलंटियर है, इसलिए मैंने इसे झाड़ू ही पकड़ा दिया। अभी बताओ ना। हाँ, जब मैं पहली बार स्वीटी से मिला था तब मुझे एक अजीब सा अपनापन सा लगा। अभी मैं स्वीटी नहीं, सिमरन हूँ। Not for you. Keep all this. Bring your friends here. सब लोग मिलकर doing exercise all the time. Listen, ये form boat या rocket बनाकर flying करने के लिए नहीं है. Go and पीछे भर के आओ. Get out. Coming from where? ची 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 ची. Hey bro, listen to me. I have a solid idea. Women's college is nearby here.
वहाँ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गर्ल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्यों रे, अपनी चड्डी बनियान वहाँ बेचने का भी प्लान है? मुझे शाम तक 1000 रजिस्ट्रेशन चाहिए, चल जा। गिविंग गुड आइडिया। 50 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। That's good. सिमरन कहाँ है? उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। मैं वैसे कल उनसे मिला तो था, लेकिन मैंने कल उनके सामने। वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। All the best. स्वीटी, एक्चुअली मैं कह रहा था कि वो भरे भरे डोसे सा, मधुमक्खी के छत्ते सा, भरे भरे डोसे सा, मधुमक्खी के छत्ते सा, खिले हुए गुलदस्ते सा, बन जाओ रे मधुबाला। दिस वॉलंटियर नो। हाय स्वीटी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। सच बोलूं तो बहुत ज्यादा बड़ा है। hey, कहाँ चले आ रहे हो? Get lost, go! वैसे तो स्वीटी मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मिठाइयाँ भी फीकी पड़ गई हैं। मैं तुमसे कुछ वन मिनट, डियर स्वीटी विल यू मैरिज माई सेल्फ प्लीज स्वीटी, मेरी लाइफ में मिठास वापस आ जाएगी प्लीज स्वीटी, स्वीटी प्लीज स्वीटी। कितना पुराना लड्डू। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मुझे थोड़ा काम है। तुम जाओ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे स्वीटी से काम है। तो स्वीटी, मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर लिया, उन्हें कोई एतराज नहीं है, और तुम्हारी मम्मी को भी मेरे जैसा डबल एक्सएल बहुत पसंद आएगा। तो मैं रिश्ता पक्का समझू, बात कब करनी है? आ जा, मैं बताता हूं। अरे मुझे स्वीटी से बात करनी है, कहां लेके जा रहे हो? कम ऑन दोस्तों, इस कैंपेन पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस कैंपेन का मेन एजेंडा सिर्फ एक ही है, और वो है सेव ज्योति। सर, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, पर इसे पैसा देकर मामला सेटल कर लीजिए ना, नहीं तो हमारा क्लिनिक बंद हो सकता है सर। पैसे देकर मैटर को सेटल करना अपनी हार के बराबर है। मीडिया में बात फैल गई तो वो लोग हमारा क्लिनिक बंद करवा देंगे। अपने करियर में मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं, देखते हैं कब तक ये ड्रामा चलता रहता है। हेलो, वेलकम एवरीबॉडी, चलो आओ साथ में स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। तो मिस स्वीटी, ये साइकिल्स, व्हील्स, इतने बड़े एलईडी स्क्रीन्स, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ समझाना चाहेंगी? बहुत ही आसान है, मैं समझाती हूँ। यहाँ जितनी भी साइकिल्स हैं, वो सारी इस सेंटर व्हील से कनेक्टेड हैं। जब लोग साइकिल करेंगे तो उससे निकलने वाली एनर्जी से ये व्हील चलने लगेगा। ये व्हील एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। साइकिलिंग एक्सरसाइज से जितनी भी कैलोरीज बर्न होगी वो उस डिजिटल स्क्रीन पर लगातार दिखाई देगी। सब लोग जितनी ज्यादा देर साइकिल करेंगे उतनी ही जल्दी वो कंप्यूटर वाली लड़की अपना वेट लूज करेगी। Hi guys, 50,000, ये क्या है? यही सोच रहे होंगे ना आप, ये सिर्फ 50,000 कैलोरीज नहीं है जो आप लोग बर्न करेंगे, बल्कि और भी कुछ है। इसके बारे में और बताने के लिए एक खास मेहमान को बुलाया है। Let's watch. Good evening people. 50,000, ये सिर्फ वो कैलोरी नहीं जो आप लोगों ने बर्न की है, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए जमा की हुई राशि है। ज्योति नाम की एक लड़की स्लिमिंग सेंटर्स के बेतुके और फेक दावों के कारण हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रही है। शेखर की स्पोर्ट्स कंपनी ज्योति के ऑपरेशन के लिए प्रत्येक कैलोरी के लिए पैसे रेस करेगी। ऑपरेशन के लिए सबको मिलकर 25 लाख रुपए इकट्ठे करने होंगे। किसी की जान बचाने के लिए पैसे तो कोई भी दे सकता है, लेकिन इस कैंपेन का असली मकसद, इस कैंपेन का असली उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। यह सिर्फ हमारे खून पसीने से कमाई गई दौलत का सवाल नहीं है, बल्कि जो आज ज्योति के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो उसके लिए किया गया प्रयास है। आप लोगों के द्वारा बहाए गए पसीने की एक एक बूंद से ज्योति की जान बचेगी। सो गेट फिट, डोंट क्विट। Yeah! Whoa.
Hi, Shekhar. I'm Simran. Oh! बोला था ना ये सर्कस ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। एक ही जगह साइकिल चलाकर जाएंगे, कहाँ वो गेम खत्म। चार दिन से साइकिलिंग कर रहे हैं लेकिन टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ। सारी मेहनत वेस्टिंग वेस्टिंग। ज्योति का तो पता नहीं बट आई विल गो टू द हॉस्पिटल फॉर श्योर। इससे कुछ नहीं होगा। ये सब काफी नहीं है, हमें और पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। मॉल्स, कॉलेजेस, थिएटर्स, हमें लोगों को और मोटिवेट करना पड़ेगा। ज्योति के ऑपरेशन में अब टाइम नहीं बचा है। डोंट वरी स्वीटी, ज्योति के लिए अगर हम टारगेट अचीव नहीं भी कर पाए तो उसके ऑपरेशन का खर्चा मैं उठाऊंगा। शी विल बी ओके, आई प्रॉमिस। थैंक्स, लेकिन ये कैंपेन सिर्फ ज्योति के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम उनके लिए कर रहे हैं जो झांसों में फंसाए जाते हैं। ये लड़ाई जीतनी होगी। अरे बाप रे, मदर टेरर इज कमिंग। वो देखो, वो रही। कल मैं ज्योति से मिलने हॉस्पिटल गई थी, उसकी जगह पे तुम भी हो सकती थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा हौसला दिया, मेरी बेटी ये कर सकती है, मेरी बेटी वो कर सकती है, मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है। वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरी माँ एक तरफ। कभी सर नहीं झुकाया, ना ही मैंने हार मानी। मेरे पापा के जाने के बाद एक पिता का भी फर्ज निभाया मेरी माँ ने, पर आज मैंने एक माँ का फर्ज नहीं निभाया। मैंने कभी तुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। मुझे माफ कर देना बेटा। स्वीटी, उस सत्यानंद को हम लोग सबक सिखा कर ही रहेंगे, हम सब तेरे साथ हैं। देख, मेरे साथ मेरा पूरा महिला मंडल आया है। So you step out of that door. Set out your worries and sweat out your soul. You still got a run for you can be a lot more. अपने दिलों की धड़कनें थाम लीजिए और स्वागत कीजिए राणा दग्गुबत्ती का। ज्योति कौन से हॉस्पिटल में है? सेव ज्योति कैंपेन में एक नया मोड़ आया है। ज्योति का अब ये कहना है कि उसकी किडनी के फेल होने की वजह साइज जीरो क्लिनिक नहीं बल्कि उसकी खुद की फैट बर्निंग दवाइयां थी। ये उनका स्टेटमेंट है। साइज जीरो के मालिक मिस्टर सत्यानंद हमारे बीच आज खुद आए हैं। वन मिनट प्लीज। बिजनेस और जंग में हर चीज जायज होती है, मुझे दोनों में जीतना है। सेव ज्योति कैंपेन, आप सबको पता होगा
दरअसल ये कैंपेन सिर्फ ड्रामा करके चीप पब्लिसिटी पाकर सिर्फ मुझसे पैसे लूटने की एक साजिश थी। लेकिन गांधी जी के इस देश में उनके दिए हुए सिद्धांत मर नहीं सकते कभी। बस मैं सिर्फ इतना ही कह रही। आजकल सबको इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और जिन लोगों को इंस्टेंट वेट लॉस चाहिए, मैं बस उनसे पैसे कमाकर बिजनेस करता हूँ। ये लोगों के बीच में साइकिल चलवाना, जॉगिंग करवाना, सब कुछ बस एक ड्रामा है। कल मीडिया वालों को कोई नई हेडलाइन मिल जाएगी और ये सब तुम्हें फिर भूल जाएंगे। मेरा बस इतना ही कहना है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। मैं मानता हूं तुम्हारी तबीयत हमारे फैट बर्नर्स के कारण खराब हुई। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये देखो 1 करोड़ रुपए हैं। इतना पैसा तुमने अपनी जिंदगी भर में नहीं देखा होगा। जस्ट टेक दिस मनी और अपना स्टेटमेंट बदल दो। बी हैप्पी। सत्यमेव जयते। Thank you. We did it. Yes. Sorry sir, आपको disturb किया। कोई आपसे मिलने आया है। आपका size कम करने के लिए। Please come. सिमरन से मेरे मॉम डैड मिलना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। क्या सोच रहे हो? पता नहीं सिमरन। खुद से दूर भागना बंद करो अभी। सब कुछ ठीक तो तब होगा जब दिल की सुनोगे। नहीं सिमरन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है। स्वीटी को सब बता दो। बहुत देर हो चुकी है, कल उसकी सगाई होने वाली है। तुमने एनआरआई की रट लगा रखी थी, आखिर तुम्हें एनआरआई लड़का मिल ही गया। एंगेजमेंट में ही शादी से ज्यादा तामझाम है। क्या किस्मत है स्वीटी की। जिस पल का इंतजार था आखिर वो आ ही गया। कितने साल लग गए। तू खुश तो है ना बेटा? हाँ माँ।
धीमे 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 से ख्वाब उतरेंगे आँखों में, फिर धीमे 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 से फूल खेलेंगे खुशियों भरे। साथ अपने वो लाएगी जो मुस्कान, तू ना खुद में ही उनको छुपा, तेरी मुस्कुराहट जग को दिखा। एक फूल जो मुस्कुराएगा तो खिल उठेगी सारी बगिया। तू मुस्कुरा तो तेरे साथ में जग मुस्कुराएगा, तू मुस्कुरा तो तेरी बाहों में दुनिया की होगी खुशियाँ। हाय शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना दीजिए। दीजिए ना बापूजी, दीजिए ना। शादियां स्वर्ग में तय होती है। स्वर्ग में बेटे मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी करो, चलो चलो। स्वामी मेरी रिंग। What? Urgently जाना पड़ेगा। इस वक्त? Please. Okay. हाँ जाओ 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 जाओ, देर नहीं करनी चाहिए। Excuse me. ये तो खाली है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी खाली है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस वक्त लाइफ में पहली बार मेरे दिल की धड़कन थम गई थी। उस वक्त कंफ्यूजन के मारे बेचारा शेखर एंगेजमेंट रिंग को घुमा रहा था और एक बार फिर माँ को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस पल भी हर बार की तरह पापा मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे थे। स्टेशन पर लगी वो वेट मशीन अपने जादू से किसी और बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उसी समय मुझे जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग फाइनली मिल ही गया है। थोड़ी देर कर दी तुमने, बाथरूम ब्रेक पर आई हूं, एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए नहीं। तो फिर भाग चलते हैं ना। प्रॉमिस, तुम्हें कभी बोर नहीं करूंगा, कैलोरीज को लेकर कभी लेक्चर नहीं दूंगा, रोटी पर जितना भी बटर होगा, कार्ब्स के बारे में बिना सोचे मैं सब कुछ खा लूंगा, और तो और आठ के बाद जलेबी भी खाऊंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। बेवकूफ कहीं के, इतना टाइम लगा दिया, मैं कब से वेट कर रही थी। मुझे पसंद करते हो तो फिर बोला क्यों नहीं? वो बेचारा प्रिंस चार्मिंग नीचे रिंग लेकर मेरा वेट कर रहा है, क्या कहूंगी मैं उससे?
सॉरी, फॉरगिव मी। एक कम अक्ल लड़का है जिसे अभी भी पता चला है कि वो मेरे बिना रह नहीं सकता। 8 बजे तुम्हें पंखे से लटकाने का मन कर रहा है मेरा। लटकाना? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुझमें? अर्जेंटली जाना पड़ेगा तभी मैं समझ गई थी। बेटा अपनी शर्ट देना, तू अपनी साड़ी निकाल। माँ यहाँ से भागोगी कैसे? या बंजी जंपिंग करोगी? सीधा ऊपर जाने का इरादा है क्या? इस साड़ी के पल्लू को पिलर में बांधकर पहले तू जाकर के नीचे उतर। अगर वजन से साड़ी नहीं फटी तो जमाई बाबू नीचे आ जाएंगे। बात समझ आई ना? ये फाइनल एंड परफेक्ट प्लान है। अरे माँ, मुझे तो ये बात पहले से पता थी कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। क्या कर रही हूँ माँ? क्या? छोड़ो। तू इतनी घबरा क्यों रही है? तेरे पापा रेडी थे और मैं अय्यर थी। तुझे क्या लगता है हमारी शादी कैसे हुई? अभी बताती हूँ। अरे शर्ट मैं खुद कर लूंगा। बाप रे, देख क्या रहे हो बेटा, इसे टाइट करो। लेजी फेलो, तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? वहाँ वो लोग। ओफो, तुझे याद है ना पापा मुझे क्या बुलाते थे? ड्रामा क्वीन। टेंशन नॉट, मैं सब संभाल लूंगी। मेकअप कम आऊंगी, तू जा। पूरी जिंदगी बीत गई तेरी शादी की टेंशन को लेकर। हमेशा खुश रहना बेटी। देखो ना बेटा, वो स्वीटी। हाँ आंटी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? खोलो, पानी लाओ। हे एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। Ha 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 ha